हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम में माइग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे सपोज कीजिए, इसके पहले हम यूज करते थे, अभी हम टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले हम क्या यूज करते थे? इसके पहले हम ईआरपी 9 यूज करते थे, और ईआरपी 9 का सारा डेटा हमें लेके आना है टैली प्राइम में, तो इसके लिए हमें माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। और माइग्रेशन से भी पहले हमें एक बैकअप लेना होता है, तभी हम माइग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड से आपको F3 बटन प्रेस करना है। यहां पर आएगा सेलेक्ट कंपनी, आप कंपनी को सेलेक्ट कर लें तो यहां पे बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट खुल जाती है। जैसे ही आप सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ कंपनियों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, और कुछ कंपनियों में नहीं लिखा हुआ है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। तो जो कंपनियां टैली ईआरपी 9 से आई हैं उनमें लिखा हुआ है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी हम यहां पर माइग्रेशन रिक्वायर्ड की बात करेंगे। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो अभी हम माइग्रेशन रिक्वायर्ड में चलते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहां पे माइग्रेशन रिक्वायर्ड एबीसी कंपनी हमने लिया है और यहां पर जाकर के एक बार एंटर प्रेस किया है। तो ये कह रहा है माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डाटा कॉम्पेटिबल विथ दिस रिलीज। ठीक है, तो क्या आप माइग्रेशन करने से पहले सी ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं? अगर आप सी ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं तो आप माइग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं और बैकअप लेना चाहते हैं तो कॉन्फिगर पे क्लिक कर दें या फिर सी बटन प्रेस कर दें। तो जैसे ही सी बटन प्रेस करेंगे तो आपको एरो की प्रेस करके नीचे आ जाना। आप देखिए यहां पे दिया हुआ है बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन। क्या आप बैकअप लेना चाहते हैं माइग्रेशन से पहले? क्योंकि हो सकता है कि बैकअप न ले आप और माइग्रेट करते समय कोई दिक्कत आ जाए। वैसी ऐसी दिक्कत होती नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसी दिक्कत हो भी जाए तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, इसलिए बैकअप ले ले। ठीक है, और अगर नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली यहां पर एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहां नो हो जाएगा। फिलहाल मैं यस ही रखता हूं इसको, और यहां पर नीचे आते हैं बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। तो यहां पर आपको अपना पाथ डालना होगा। अब यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं आया तो नीचे सी ड्राइव में जो जो फोल्डर्स बने हुए हैं वो सारे फोल्डर्स यहाँ पे ओपन हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां से आप सेलेक्ट ड्राइव, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जा सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं। और अदर वाइज कहीं पे बैकअप रखना हो, लाइक ई ड्राइव में रखना हो या कहीं और रखना हो, तो आप वहां पे जा सकते हैं। लाइक मैं अगर ई ड्राइव में रखना चाहूं तो यहाँ पे ई ड्राइव में भी बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, यहाँ पर हम बैकअप रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम चाहते हैं कि हम एक न्यू फोल्डर बना ले तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए स्पेसिफाई पाथ पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहां उस पाथ का नाम दे दीजिए। लाइक मैं यहां पे करता हूं ई कोलन और यहां बैकस्लैश लगाया और यहां पर एक फोल्डर बना लेता हूं बैकअप के नाम से। तो ये मैंने बैकअप के नाम से फोल्डर बना लिया इस तरीके से। ठीक है, और अब एंटर प्रेस करता हूं तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये बैकअप नाम का कोई फोल्डर है नहीं कि आप बनाना चाहते हैं इसको। तो यहाँ पे यस कर दीजिए, और यस करने के बाद आपको क्या करना है, ये बैकअप नाम का फोल्डर बन गया है, अब एंटर प्रेस कर दीजिए। आप यहाँ पर आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे माइग्रेट कंपनी में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेट, आप इसी पे क्लिक कर दीजिए या आर बटन प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आर बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर देख पाएंगे कि ये कंपनी का सारा डिटेल जो है इंपोर्ट हो रहा है। अब देखिए ये इंपोर्ट होना शुरू हुआ है 50% 60% इस तरह से करके ये पूरा इंपोर्ट हो जाएगा 100%, और फिर आप इस कंपनी को भी यूज कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एबीसी कंपनी जो है यहां पर आ चुकी है। अब आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं और इसमें बने हुए चीजों को देख सकते हैं। लाइक यहां पर जाएंगे अल्टर पे तो यहां पर जो भी लेजर्स वगैरह बने हुए हैं वो इसमें डिस्प्ले होंगे। तो यहां पे लेजर पे आता हूं, ये देखिए ये सारे लेजर्स पहले से बने हुए थे इसमें, तो ये सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। कुछ तो पहले से ही बने होते हैं और कुछ हमने बनाए हैं, मीन्स यूजर ने बनाए हैं। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे स्टॉक आइटम भी देख सकते हैं आप, तो ये एक ही स्टॉक आइटम था इसमें, तो कीबोर्ड बना हुआ था। तो इस तरीके से आप माइग्रेट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि कंपनी का माइग्रेशन कैसे होता है।